इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है सर। से चलते हैं? नहीं नहीं सर, जो आपकी जो एक सोच है वो थोड़ी सी मेरे बारे में कुछ ज्यादा हो गई। कोई भी किसी भी फिल्म के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। अब तक आपकी फिल्म को लेकर लोग एक आपको ट्रेंड सेटर मानते हैं। जब आपकी फिल्म लगती है तो लोग उम्मीद करते हैं हर बार कि इस बार का रिकॉर्ड पहले से और बेहतर होगा। अब इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है सर, फर्स्ट डे और सेकेंड डे तोड़ा है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन आपके जो दो दोस्त हैं, जो आमिर हैं, शाहरुख हैं, क्या आपको लगता है कि आपके स्टारडम जो अब तक एक जिसे से जलते हैं? नहीं नहीं सर, क्या उनका जलवा बिखर रहा है या वो मानते हैं कि आपका स्टारडम अभी भी बरकरार ही है या वो दोनों आपसे आगे निकल रहे हैं? जो मिडास टच सलमान के बारे में माना जाता है, जिसे हाथ लगा दे वो सोना बन जाए, तो उसमें कुछ कमी रह गई है इस बार जय हो के साथ? सर नहीं सर, बिल्कुल कोई कमी नहीं रह गई। जो आपकी जो एक सोच है वो थोड़ी सी मेरे बारे में कुछ ज्यादा हो गई। कोई भी किसी भी फिल्म के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि जब हम बनाते हैं तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है और लोग जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो एक एक फॉर्मेट हो जाता है कि ये 18 करोड़ से 25 करोड़ तक एक बिजनेस करेगी, तो 18 से 25 के अंदर कुछ बहुत कुछ 7 करोड़ का फर्क है। तो दीज ट्रेड पंडित से गिव दिस, पहले ये रिएक्शन हुआ करता था कि कम फिगर्स देते थे और फिगर्स को ज़्यादा होते थे। इस पर अपसेट इसलिए हो गए कि उन्होंने ज़्यादा दिए एंड दे थिंकिंग इज़ गॉन रॉन्ग, कम आए। मुझे उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा और नहीं पड़ेगा। हमने हमारे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, एंटरटेन किया है, एक्शन दिया है, मैसेज दिया है, हर चीज़ दिया है, मेहनत की है। अब वो देखो फिल्म चलती है। अब जो कलेक्शंस की बात है कि 30 करोड़ या 21 करोड़, वो सब हाउ कैन यू कैलकुलेट समबडीज थिंकिंग इन टू कलेक्शंस के आई वॉन्ट टू गो एंड सी योर फिल्म टुडे और मुझे बस नहीं मिली या मेरे बॉस ने मुझे छोड़ा नहीं या मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर निकला और मुझे अच्छी लड़की दिख गई और मैं उसके पीछे निकल लिया, मेरा बच्चा स्कूल में फेल हो गया, मेरा बच्चा गिर गया, मेरी बीवी पकड़ी गई, कुछ भी हो सकता है वॉचमैन के साथ या घर बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, दोस्त यार आए, क्या यार मनहूस शक्ल लेके बैठा, चल जाके पिक्चर देख के आते हैं, और वो चला गया पिक्चर देखने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्री के पंडित हैं, ये इसका कैलकुलेशन कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि आई थॉट कांट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। तो ये जो कलेक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द क्या बोलते हैं इसको, ओवरऑल कलेक्शंस, जो कि एक लाइफ टाइम के जो कलेक्शंस हैं, दैट इज द मेन थिंग। इट्स इंपॉर्टेंट द फिल्म हैज टू डू वेल। इनिशियल्स लगते हैं विच इज डैम गुड। अगर ऐसा लगा है कि इनिशियल नहीं लगे हैं इस बार मुझे, देन नोबडी हैज फेल्ड बट मी, दैट आई कुड नॉट परहैप्स गेट इन द पीपल टू कम एंड सी द फिल्म। कुछ भी हो, अब सलमान खान की फिल्म लगी इसका मतलब कि काम छोड़ दे आदमी, आप बच्चों का ख्याल नहीं रखें, बीवी को प्यार नहीं दे, तलाक दे दे, तो ये तो नहीं होता ना। You have to live your life, और जब time मिलता है you should go and see the film। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तनख्वाह मिली है, अगर extra पैसे हैं, तब ही जाके film देखना, only then go and see the film। ये नहीं कि पापा we want to go and see the film, give us money, और बाप के पास बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। I guess I must be the only actor who says that। So for me it is then first, then my collections। मैं तो चलते रहूंगा इस रेंज में, हायर रेंज में या नीचे के रेंज के अंदर, जितना मुझे नाम कमाना था, शोहरत कमाना था, पैसे कमाना था, वो मैं कमा चुका हूँ। उसका ग्रीड, उसका लालच है ही नहीं मेरे दिमाग के अंदर या मेरे अंदर। अब
बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट द होल फैमिली टू गो सी द फिल्म, व्हाट रबिश इज दिस यार, पहले पढ़ लें, होमवर्क वोमवर्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद जाके पिक्चर देखें. दीज थिंग्स कम फर्स्ट फॉर मी देन एक सेल्फिश कंपीट करने के लिए अपने दोस्त यार के साथ कि हमारे कलेक्शन इतने आने चाहिए, वो हम जाके यू नो वी प्रमोट द फिल्म टू सच अ लेवल एंड वी गो डू सो मेनी थिंग्स दैट पीपल कम इन टू द यू नो थिएटर टू सेटिस्फाई आर ईगोस एंड टू बी नंबर वन इन दिस इंडस्ट्री. आई थिंक रबिश. हेलो हेलो सलमान जी. या विजय शंकर. और आई एम फाइन विद दिस. लोगों को इफेक्ट हो रहा है मुझे, मैं तो इसमें आराम से निकल गया. मैं तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा और इस पर मेहनत करूँगा किक इसके ऊपर जय हो के ऊपर, उसके बाद मैं किक पे निकल जाऊंगा. आप वहां पे देखना है कि वहां पे किक मारती है या किक पड़ती है.